मेरे बहादुर जवानों, आज वो दिन आ गया है जिसका हर सिपाही इंतजार करता है। राजपूत रेजिमेंट अपनी जाबाजी और दिलेरी के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। हर सदी में, हर जंग में राजपूतों का एक ही उसूल रहा है, जीत या मौत, विन और डाई। वॉर फ्रंट पर जाने से पहले मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, हमें दुश्मन के हमले का ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना है कि आइंदा वो हमारे सामने सर उठाने की जुर्रत न कर सके। भारत माता की जय, सेकंड राजपूत की जय। पोस्ट से देख रहा था। गुड जॉब। थैंक यू सर। लेकिन साहब, आप अपनी आरसीएल गन छोड़ के यहाँ? सर, वो मैं अपने आरसीएल की नई पोजीशन देखने के लिए आया था। किसान शिकार नजर आ गया, मैंने सोचा जरा निशाना पक्का कर लूं। अच्छा, एक बात तो बताइए, आप बार बार अपनी इस घड़ी को चूमती क्यों हैं? सर, ये मेरी स्वीट हार्ट है। स्वीट हार्ट? जी, मेरे पिताजी ने दी थी। वो तो चले गए, लेकिन ये अब तक चल रही है। और मेरा विश्वास है सर कि जब तक ये टिक टिक करती रहेगी, मेरा दिल भी धड़क करता रहेगा। और जिस दिन ये मेरे हाथ से गई, मैं गया काम से। नेवर साहब, नेवर। ये हमेशा टिक टिक करती रहेगी और आपका दिल धड़कता रहेगा। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या पोजीशन है उस्मान साहब? बहुत उम्दा सर, दुश्मन के 10-15 जवान कम हो गए। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है। उस दिन बड़े खाने के दिन आपका टेलीफोन आ गया और आप चले गए और मेरी कहानी अधूरी रह गई। आपकी इजाजत हो तो अभी सुना डालू। तो जब सलबा जी पहली बार मेरे साथ पार्क में जाने के लिए तैयार हुई, तो मैं उनको ऐसे कोने में ले गया जहां कोई भी नहीं था। उस्मान साहब, आपने अपनी कहानी सुनाने में मेरे 2 राउंड वेस्ट कर दिया। नामुमकिन सर, मेरा निशाना कभी खाली नहीं जाता, आप देख लीजिए। अच्छा, गुड गुड साहब, इस मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए। रात को दुश्मन लाशें लेने जरूर आएगा, आप उसी वक्त एंबुश करेंगे। सर, इलाके में तुम्हारे कितने स्ट्रेंथ है और क्या क्या पोजीशन है? कम ऑन, स्पीक अप। जय हिंद। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं सूबेदार उस्मान। जय हिंद। तो फिर असलम,
जंगी कैदी के साथ इस तरह का जा रहा ना सलू, बड़े अफसोस की बात। यू कैन गो। आई एम सॉरी सूबेदार उस्मान, यंग ऑफिसर्स कभी कभी गलती भी कर बैठते हैं। हमारा खुदा एक है, हमारा मजहब एक। सिपाही का एक ही मजहब होता है, अपने मुल्क के साथ वफादारी करना। लेकिन उस्मान साहब, आप एक सच्चे मुसलमान होने के नाते हमें अपने राज बताकर आप इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत करेंगे। आप मजहब के नाम पर मेरा फर्ज और ईमान नहीं खरीद सकते। तो सूबेदार साहब, हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद। आखिरी बार फिर सोच लीजिए। जय हिंद। सुभान अल्लाह, काश आप हमारी आर्मी में होते। गार्ड्स, इन्हें ब्रिगेड हेडक्वार्टर ले जाओ। जी के चेहरे से पर्दा हटाया तो नूर इलाही का जलवा नजर आ रहा था। उस्मान साहब, अब ज्यादा बात मत कीजिए, बहुत खून बह चुका है, जान का खतरा है। अपने वतन की हिफाजत के लिए जान चली जाए, इससे शानदार मौत और क्या होगी। मुझे बोलने दीजिए मेजर साहब, नहीं तो आज भी मेरी कहानी अधूरी रह जाएगी। फिर मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में लेकर उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उनके सुर्ख होंठ हिले, वो इस तरह से बोली, उस्मान मैं तुम्हारी हूं। शहीदों की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। आकाशवाणी है, अब आप शरण कुमार चांद से समाचार सुनिए। अभी अभी मिले समाचारों के अनुसार पश्चिम क्षेत्र में छम के पास घमासान की लड़ाई हो रही है। हमारी सेना दुश्मन के हर आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अनुमान है कि इस क्षेत्र में कल की मुठभेड़ में हमारे 25 जवान मारे गए, 75 घायल हुए तथा 2 टैंक नष्ट हुए। दुश्मन के 75 सिपाही मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए और दुश्मन के 6 टैंक नष्ट कर दिए गए। आज एक आम सभा में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री ने देश की जनता से कहा कि वो हर तरह से अपने उन बहादुर जवानों की मदद करे जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। समाचार समाप्त हुए। सच बात है बेटी, आज सारा देश संकट में है। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है कि हर किसी का फर्ज है अपने जवानों की मदद के लिए जो भी कुछ कर सकता है करे। बेटी, हमें भी कुछ करना चाहिए। Why haven't the motor tasks been prepared? I don't want any bloody excuses. I want the job done. Get it? Sir. Sunil, आज रात को मैं कंपनी की अलर्टनेस और पूरी तैयारी चेक कर रहा हूँ।
उससे पहले मैं चाहता हूं तुम हर पोजीशन को चेक कर लो। ओके सर। सुना? यस सर। ये दो खत मैंने लिखे हैं, शीतल और माँ के नाम, रनर के हाथ भिजवा देना। एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। स्वीट डार्लिंग, जरा सोचो, अगर मेरा फर्ज मुझे वॉर फ्रंट पर न ले आता तो इस वक्त हम अपना हनीमून प्लान कर रहे होते। यहाँ गोलियों की बौछार है, हर कदम पर मौत का खतरा है, फिर भी जिंदगी मुझे खूबसूरत लगती है क्योंकि तुम मेरी वापसी का इंतजार कर रही हो। सिर्फ तुम्हारा अजय। ये सर, काफी परेशान नजर आते हो, क्या बात है? कुछ नहीं सर। देखो सुनील, तुम्हारी कोई भी परेशानी तुम्हारी ड्यूटी की गफलत बन सकती है। मैं सच बात जानना चाहता हूं अभी और इसी वक्त। कम ऑन सुनील, आउट विद इट। आप जानकर क्या करेंगे सर? ये मेरा निजी मामला है। जंग के मैदान में निजी मामला कोई अहमियत नहीं रखता। अपने फर्ज के अलावा तुम्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए। अगर भूल जाना इतना आसान होता तो आप अपनी फियांसे को चिट्ठियां नहीं लिखते। मैम, ऐसी 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 तुम्हारी परेशानी की वजह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम भी अजीब आदमी हो। गर्लफ्रेंड तो इंस्पिरेशन होती है। हम यहां लड़ रहे हैं और वो हमारी वापसी का इंतजार कर रही है। आप खुश नसीब हैं सर, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड मेरा इंतजार नहीं करेगी क्योंकि वो किसी और की होने वाली है। और तुम ऐसी लड़की के लिए इतना परेशान हो रहे हो? अरे फॉरगेट इट, शी मस्ट बी अ ब्लडी बिच। प्लीज, आई एम सॉरी कम, लेट्स बी ऑन अ ड्यूटी व्हिच इज अबव एवरीथिंग।